हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कि प्रेस्टीज आयरिस प्रेस्टीज के जूसर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। मुझे यूज़ करने में पहले प्रॉब्लम हुई थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आसान है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है ये ग्राइंडर। मैं इसका पूरा वीडियो नहीं बना रही हूँ, रिव्यू नहीं कर रही हूँ, बस मैं बताऊँगी आपको कि जूसर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे बीटरूट और कैरेट। हम आज इसका जूस बना करके देखेंगे। आप फल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हम हार्ड चीज़ों का भी जूस निकाल सकते हैं। तो कैरेट को हमें छील लेना है और बीटरूट को भी हम छील लेंगे, यानी कि इसके छिलके को हमें उतार लेना है अच्छे से। और अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, रफली चॉप्ड कर लेंगे। और गाजर को भी मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। इसी के साथ हम रेसिपी भी सीख लेते हैं गाजर और बीटरूट के जूस का। अब यहाँ पर थोड़ा सा ले लेंगे अदरक यानी कि जिंजर, और लेमन का जूस इसमें स्क्वीज कर देंगे यानी कि निचोड़ देंगे, नींबू का रस। ये है आयरिस प्रेस्टीज का जूसर वाला जार। ये देखिए, इसमें मेंशन है आपका ml, जितना आपको चाहिए उस तरीके से ml मेंशन है। और ये है, इसके अंदर फिट होता है ये। आप जब इसके अंदर इस तरह से डालोगे और इसे लॉक करना होता है। ये लॉक करके आप बस घुमाएंगे इसको वो राइट साइड में, तो ये लॉक हो जाएगा इस तरीके से। और ये देखिए, गिरता नहीं है। और ये है ऊपर से कवर करने के लिए ताकि चीज़ें बाहर ना आए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जूस इसका कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हमने जो काट के रखी हैं सब्जियाँ या फिर फल, जो भी आप जिस चीज़ का भी आप जूस बना रहे हो वो ले लेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पर पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा। मैंने नहीं डाला है, बाद में मैंने यूज़ किया था पानी। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छा है, आप इसे यूज़ कीजिए। मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जूस बिल्कुल अच्छे से निकल रहा है, बहुत अच्छे से निकल जाता है जूस। बस इतना ही पीसना है हमें। अब आइए देख लेते हैं कि अंदर की हालत कैसी है। ढक्कन को खोलेंगे और ये निकाल के हम देखते हैं। तो ये देखिए, फाइबर बिल्कुल अंदर है, नीचे नहीं गया है, आप देख सकते हैं। आप इसमें पानी डाल के दोबारा चला सकते हैं और जो जूस है वो नीचे आ गया है। तो इसे हम एक कप में या फिर ग्लास में निकाल लेंगे, इसे अलग से छानने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसमें पानी डाल करके फिर से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल करके फिर से ग्राइंड किया और बाकी को भी ग्राइंड कर दिया, और जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, आप लोग कैसे बनाते हैं बीटरूट और कैरेट का जूस, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।